साथियों, हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक प्रकार से राज्य का विषय है और इसके विषय में अनेक बार लिखा भी जाता है कि भाई ये तो राज्य का विषय है, भारत सरकार को उसको कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है। और मैं जानता हूं क्योंकि मुझे भी कई वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि राज्य की विशेष जिम्मेवारी है ये मैं जानता था और इस जिम्मेवारी को मुझे निभाना चाहिए, ये मुख्यमंत्री के नाते मैं पूरी कोशिश करता था। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कृषि व्यवस्था को, कृषि नीतियां और उनके खेती पर प्रभावों को बहुत निकट से अनुभव किया। और अभी हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर सर मेरे गुजरात के कार्यकाल में क्या मैं काम कर रहा था उसका भी बड़ा वर्णन कर रहे थे। एक समय था जब गुजरात में खेती कुछ फसलों तक ही सीमित थी। गुजरात के एक बड़े हिस्से में पानी के अभाव से किसान खेती छोड़ चुके थे। उस समय एक ही मंत्र को लेकर के हम चले, किसानों को साथ लेकर के चले और मंत्र था स्थिति बदलनी चाहिए, हम मिलकर स्थितियां जरूर बदलेंगे। इसके लिए उस दौर में ही हमने साइंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग शुरू कर दिया था। आज देश के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में गुजरात की एक बड़ी हिस्सेदारी है। अब आज गुजरात में 12 महीने खेती होती है। कच्छ जैसे क्षेत्र में भी आज वो फल सब्जियां पैदा होती हैं जिनके बारे में कभी सोच नहीं सकते थे। आज कच्छ का रेगिस्तान में से वहां की कृषि पैदावार विदेशों में एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, सिर्फ पैदावार पर ही फोकस नहीं किया गया बल्कि पूरे गुजरात में कोल्ड चेन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया। ऐसे अनेक प्रयासों से खेती का दायरा तो बढ़ा ही, साथ ही खेती से जुड़े उद्योग और रोजगार भी बड़ी मात्रा में तैयार हुए हैं। और क्योंकि एक मुख्यमंत्री के नाते राज्य सरकार की सारी जिम्मेवारी होती है तो मुझे वो समय इन सारे कामों करने का अच्छा सा अवसर भी मिला और मैंने पूरी मेहनत भी की। भाई और बहनों, खेती में हुए ऐसे ही आधुनिक परिवर्तनों को आजादी के इस अमृत काल में और विस्तार देने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन खेती ही नहीं बल्कि हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मौसम में बदलाव से हमारा मत्स्य उत्पादन, पशुओं का स्वास्थ्य और उत्पादकता बहुत अधिक प्रभावित होती है। इसका नुकसान किसानों को, मछुआरे साथियों को उठाना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो नए प्रकार के कीट, नई बीमारियां, महामारियां आ रही हैं, इससे इंसान और पशुधन के स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा संकट आ रहा है और फसलें भी प्रभावित हो रही है। इन पहलुओं पर गहन रिसर्च निरंतर जरूरी है। जब साइंस, सरकार और सोसाइटी मिलकर काम करेंगे तो उसके नतीजे और बेहतर आएंगे। किसानों और वैज्ञानिकों का ऐसा गठजोड़ नई चुनौतियों से निपटने में देश की ताकत बढ़ाएगा। जिला स्तर पर साइंस आधारित ऐसे कृषि मॉडल खेती को अधिक प्रोफेशनल, अधिक लाभकारी बनाएंगे। आज जलवायु परिवर्तन से बचाव करने वाली तकनीक और प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो अभियान आज लॉन्च किया गया है उसके मूल में भी यही भावना है।